उजाला इग्निस रेनबो कार्डिक केयर के बैनर तले मंगलवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता के दौरान अस्पताल के अनुभवी चिकित्सकों द्वारा हॉस्पिटल में स्थापित हुई उत्तर प्रदेश की पहली रोटा प्रो मशीन को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की। वहीं इस मौके पर उपस्थित रहे चीफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विनेश जैन ने बताया कि जिन मरीजों के हृदय की धमनी से अधिक कैल्शियम जमा होने और लंबे ब्लॉकेज होने की वजह से एंजियोप्लास्टी नहीं हो पाती, तब उनके लिए रोटा एब्लेशन तकनीक कारगर है। उत्तर प्रदेश में पहली बार लेटेस्ट जनरेशन रोटा प्रो मशीन के जरिए अब आगरा में उजाला इग्निस रेनबो कार्डियक केयर में इलाज उपलब्ध है, जो कि मरीजों के लिए बेहद कारगर साबित हो गई। चीफ कार्डियोथोरेसिक सर्जन हो, माय हार्टेस्ट कांग्रेचुलेशन टू डॉक्टर विनेश जैन फॉर गेटिंग ये नया मशीन लाया है। वो आगरा और सराउंडिंग एरिया के लिए रियली एक वरदान है, और जो हमारा ड्रीम है कि रेनबो सिग्नस उजाला हॉस्पिटल को हम एक ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट कार्डियक सेंटर कंप्लीट कार्डियक केयर अंडर वन अम्ब्रेला प्रोवाइड कर सके, तो दिस इज़ द वन स्टेप फॉरवर्ड के हमारा जो ड्रीम है कि जिसके अंदर हार्ट टीम के अंदर हृदय की हर एक प्रोसीजर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे मिल जाए। तो अगेन माई हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस and best wishes to Dr. Vinesh Jain. And I'm sure that आगे जाके हम आपको और भी तो नई नई टेक्निक और हार्ट टीम का सिंगल रूप के नीचे कंप्लीट हार्ट केयर मिलने की जो ड्रीम है हमारा आगे बढ़ेगा। उजाला इग्निस रेनबो कार्डिक केयर के निदेशक और वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनेश जैन ने अन्य बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि एंजियोग्राफी के बाद अधिकांश मामलों में एंजियोप्लास्टी की जरूरत होती है, जबकि कई मामलों में बाईपास सर्जरी की जरूरत पड़ती है, लेकिन नसों में कठोर कैल्शियम या ब्लॉकेज जमा होने की स्थिति में एंजियोप्लास्टी करते समय हृदय तक स्टंट ले जाना मुश्किल होता है। ऐसे में रोटा एब्लेशन तकनीक का उपयोग कर स्टंट लगाना आसान हो जाता है। इस तकनीक की मदद से उपचार करने के लिए सेंटर में रोटा प्रो मशीन स्थापित की गई है, जिसमें डायमंड के छरे वाली ड्रिल होती है जो हृदय के अंदर तेज रफ्तार से घूमती है। रोटा एब्लेशन तकनीक में कैथेटर के मुहाने पर एक नैनो ड्रिल मशीन होती है, जिसे डायमंड भर भी कहा जाता है। आज हम अपने सभी मीडिया भाइयों के थ्रू अपने आगरा की जनता और आसपास के सभी शहरों की जनता को अवगत कराना चाहते हैं कि हृदय रोगों के इलाज के लिए एक नया हमने कदम आगे बढ़ाया है। एक नई मशीन हम अपने अस्पताल में लेके आए हैं, जो केवल इस अस्पताल में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में पहली ऐसी मशीन है। इस मशीन का नाम है रोटा प्रो, और ये एक मशीन ऐसी है जो एक डायमंड की ड्रिल है, या डायमंड का छर्रा मान लीजिए है, जो एक ड्रिल की मशीन पर लगा हुआ है, जिसे हम हृदय की नसों में ले जाते हैं और हृदय की नसों में जमे हुए कैल्शियम को साफ कर देते हैं। मैं बता दूं कि कैल्शियम एक बहुत बड़ी समस्या है, और जब ये नसों में जम जाता है तो ऐसी नसों में या तो बाईपास सर्जरी करानी पड़ती है, या फिर प्रोसीजर के दौरान एंजियोप्लास्टी के दौरान स्टेंट के टूटने का डर रहता है, या फिर नस खुली नहीं पाती, या लंबे समय में चल के इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए कई तरह के उपाय ढूंढे गए हैं। उनमें सबसे अच्छा उपाय माना जाता है रोटा प्रो मशीन, जो कि बहुत आसानी से नसों के अंदर जाके उसी कैल्शियम को बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ के रास्ता नसों में बना देती है। फिर उसके अंदर हम छल्ला डालते हैं और छल्ला पूरा खुल जाता है, जिससे कि मरीज को जीवन लाभ मिलता है। इससे उजाला इग्निस रेनबो हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा ने कहा कि मरीजों के प्रति सेवा और समर्पण का भाव ही इस अस्पताल को दूसरे से अलग बनाता है। यह तकनीक अभी भारत के चुनिंदा केंद्रों पर ही उपलब्ध है। उजाला इग्निस रेनबो कार्डिक केयर भी अब इन्हीं केंद्रों में से एक बन गया है, जहां अत्याधुनिक कैथ लैब के साथ ही HD आईवस और अब रोटा प्रो जैसे अत्याधुनिक उपकरण और तकनीकें उपलब्ध हैं। आगरा और आसपास के क्षेत्र में यह कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी का यह सबसे उन्नत केंद्र है। इससे आगरा समेत आसपास के तमाम जिलों के मरीजों को राहत मिलेगी। हृदय रोगियों को अब दूसरे राज्यों शहरों में नहीं जाना पड़ेगा।